डिलिमिटेशन से पहले ये थॉमस चौंसी वच के नाम से जाने जाते थे, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद इसका नाम जैनपुरा दिया गया है और सबसे संवेदनशील इलाका रहा है मिलिटेंसी के लिहाज से। और आप देख सकते हैं कि एक दहाई के बाद यहाँ पे जो इलेक्शन हुए और लंबी लंबी कतारें यहाँ पे वोटर्स के देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे अगर 2014 की बात करेंगे करीब 4% ही वोट यहाँ पे पड़े थे, लेकिन अब की बात जब हमने पार्लियामानी इंतखाबात में देखा तो लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और आज जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ सबसे ज्यादा है औरतें नजर आ रही है और खास में हिस्सा ले रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग चाहते हैं कि एक बदलाव चाहते हैं कि अब की बार जो है डेरा कैंडिडेट जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे कई ऐसे युवा है जो एजुकेटेड युवा है, इन्होंने अब की बार चुनाव में हिस्सा लिया है। अब लिखने वाली बात ये होगी जीत किसकी होती है, लेकिन यहाँ पे साफ ये दर्शाता है कि अब की बार जिस बदलाव को लेकर लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है यहाँ के एजुकेटेड यूथ जो है इन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो फिलहाल यहाँ से अभी तक जो है 13% के करीब जो है वोटिंग हुई है। अब धीरे धीरे जब दिन बढ़ता जाएगा और वोटर्स भी काफी तैदाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं कि अभी तक जो है अच्छी खासी वोटिंग हो रही है और बम्पर वोटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे जो है दावेदारी जो मानी जाती है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि जो पीडीपी में पहले थे और उसके बाद अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है जमात इस्लामी से जो जुड़े लोग हैं इन्होंने ये कहा कि हम जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनका साथ देने जा रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पे कैंडिडेट है शौकत अहमद गनाई, तो ये उनका आबाई इलाका है, तो जाहिर सी बात है नेशनल का भी यहाँ पे दबदबा है। अब देखना है किसके सर सहरा बांध दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इरशाद मलिक, न्यूज सिटी नेटवर्क, शुपियान। ناو کیا چھو کژو کژور چھو تی کما خبر نہیں کیا جائے ہے اچھا اچھا کوتا ٹائم گو ووٹ تراون تی کما انی شو ون کیا چھو ون کے سہیو تی بڑے کمزور حالت اس میں چھو تی تم پتہ ووٹ ترانی کیا مقصد چھو ووٹ تراونو کمن چیزن ہز کمی چھو تی باسان پنس علاقس من کیا کیا کمی چھو تی علاقس من باسان اللہ تعالی